दीपिका मेडिटेशन पावर। फ्रेंड्स, फैब आने वाला है तो मैंने आज कुछ अलग पायल चूज़ की है आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हील करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और एक आउटकम और एक एक यूनिवर्सल सजेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज इस टाइम पर चल रही हैं आप लोगों की लाइफ में। तो मैंने यहाँ पर दो पाइल्स ली हैं, आप देख सकते हैं। एक ये गणेश जी हैं और एक ये हमारे साईं बाबा जी हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और जो भी आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, या आपको लगता है कि मुझे इसे चूज़ करना चाहिए, तो आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स चेक विद द फर्स्ट पाइल। हम साईं बाबा की पाइल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, इस पाइल में मुझे यहाँ पर स्ट्रेस बहुत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। तो फर्स्ट जो पाइल हमारी ये साईं बाबा की है, इसका जो आप लोगों का जो पास्ट का कार्ड आया है वो ये आया है, यानी कि नाइन ऑफ सोर। तो नाइन ऑफ सोर जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि पास्ट में आप जो है अपनी जो लव लाइफ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक डिप्रेस सा सी सिचुएशन आप शायद फील कर रहे हैं, ताकि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, आइसोलेशन का, या हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या कम्युनिकेशन हो रही है तो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ किए जा रहे थे, तो समाओ आप बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन की सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। और यदि हम चलिए पहले हम लव लाइफ को लेकर सारे कार्ड्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्रोफेशनल लाइफ पर जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आप पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सिचुएशन में रहे हैं। तो उसके बाद हम आपके प्रेजेंट देखते हैं ज़रा। अभी प्रेजेंट के टाइम पे लव लाइफ को लेकर भी आप जो मेरे पास जो कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स का आया है, तो एट ऑफ कप्स जो है वो हमें ये बता रहा है कि आप जो है यूनिवर्स ने जो आपको दिया है वो आप देख नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं शायद कि जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर आपको कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है, पर यूनिवर्स ये बता रहा है कि आपको सजेशन दे रहे हैं कि आपको जो कप दिए गए हैं आप उनको देख नहीं रहे हैं, आप उन उसके अंदर की जो एक पॉजिटिव, उस रिश्ते के अंदर की जो एक पॉजिटिवनेस है वो आप देख नहीं रहे हैं, और आप अपनी सिचुएशन से, उस पॉजिटिव सिचुएशन से और अपनी परिस्थितियों से, सिचुएशन से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, मुंह मोड़कर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स ने जो आपको गिफ्ट्स दिए हैं, जो यूनिवर्स ने आपको चीज़ें दी हैं, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। तो उसके बाद जो है फ्यूचर में आपको ये सजेशन दिया जा रहा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि यूनिवर्स आपको ये सजेशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप जो है यदि अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करोगे, यदि आप जो है अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे तो आपकी जीत होगी।
यदि आप पॉजिटिव वे में सोचते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चीज़ों को आगे प्रोसीड करने की कोशिश करोगे, रिश्तों को सही करने की कोशिश करोगे, तो उसमें जीत आपकी होगी। उसके बाद फिर एक आउटकम जो हम लेते हैं वो हमारे पास एस ऑफ कप का आया है। तो एस ऑफ कप ये कहता है कि यदि आप अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव वे में सोचेंगे और अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करेंगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो यूनिवर्स आपके साथ होगा, आपकी जीत होगी, आपको आपका कप दिया जाएगा, यूनिवर्स आपकी सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद मैंने एक सजेशन लिया था यूनिवर्स से, ये नाइन ऑफ कप्स का आया था। तो नाइन ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, तो और जो है ये नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यूनिवर्स ये कह रहा है यदि आप अपनी चीज़ों के को सही ढंग से प्रोसीड करेंगे, यदि आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हुए चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो है आपके जो कप हैं वो मिल जाएंगे। और ये एक फुल ऑफ अबंडेंस का भी कार्ड है, तो एक मैच्योरिटी के साथ आपको डिसीजन लेने की भी सलाह दी जा रही है कि आप एक मैच्योरिटी के साथ सलाह लीजिए, क्योंकि देखिए ये पर्सन जो है काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहे हैं और एक अबंडेंस के साथ नज़र आ रहे हैं, सारे कप हैं इनके पास। तो भगवान आपको यही सजेशन दे रहे हैं, गॉड आपको यही सजेशन दे रहे हैं कि आप जो है अपनी चीज़ों को बैलेंस करिए, सही ढंग से सोचिए, पॉजिटिव वे में सोचिए, तो यूनिवर्स जो है वो आपके सपोर्ट करेंगे। तो पाइल वन ये आपके कार्ड थे और ये मैंने एक सजेशन लिया था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में भी यही है कि शायद आपके पास अभी जॉब नहीं है, या आप जो है जॉब या बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, शायद कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति है, इसीलिए आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आपको डिप्रेस सा फील हो रहा है काफ़ी। तो यू नीड सम हीलिंग वर्क और सेल्फ लव में जाने की ज़रूरत है, थोड़ा हील करने की ज़रूरत है अपने आप को, चीज़ों को सही करने के लिए। क्योंकि जब आप सेल्फ लव में जाएंगे, हीलिंग में जाएंगे, आप कूल और काम महसूस करेंगे, उसके बाद ही आप सिचुएशन को सही ढंग से आप पहचान पाएंगे कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद शायद आपको हो सकता है कि कोई जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो आपको दी जा रही हो, लेकिन आप शायद कन्फ्यूज़न की स्थिति में हो सकते हैं कि आप उसको देख नहीं रहे हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको जो गॉड अभी इस वक्त जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप उसको ग्रैब कर लीजिए, और आगे जो भी और अच्छी जॉब मिले या जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रैटिट्यूड के साथ लेते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और देखिए उसके बाद यूनिवर्स ये कह रहा है यदि आप इस तरीके से देखेंगे चीज़ों को, क्योंकि लाइफ में समटाइम छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी बड़ी इमारतों को तैयार करती हैं, तो छोटे छोटे कदम लेकर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो गिरने का डर है, बहुत स्लो भागेंगे तो पीछे रहने का डर है, तो हमें चलते रहना है। इसीलिए यूनिवर्स ये कह रहा है यदि आपको कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो छोटी ही है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको स्वीकार कीजिए, तो यूनिवर्स आपके साथ सपोर्ट में है और आगे आप अपनी चीज़ों के लिए फाइट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ज़रूर आपको उसमें सफलता मिलेगी। देखिए उसके बाद एस ऑफ कप का कार्ड आया था आपके लिए, तो एस ऑफ कप भी यही बताता है कि यदि आप अपने फ्यूचर के लिए पॉजिटिव वे में सोचेंगे और जो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं उसे ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपका कप जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा और जीत आपकी होगी। देखिए इसमें भी यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आपको एक मैच्योरिटी के साथ जो है वो डिसीज़न लेना है आगे के लिए, ताकि आप जो हैं
अपने जॉब में है या बिजनेस में आगे बढ़ते जाएं और मैच्योरिटी के साथ जो भी डिसीजन लें वो मैच्योरिटी के साथ लें, सोच समझ कर लें, चीज़ों को बैलेंस करते हुए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फर्स्ट फाइल। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी सेकंड फाइल में क्या आया है।